हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनो द डाउट की वीडियो ऑफ दिस YouTube चैनल। क्वेश्चन हमारा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, फैमिली y = ax + a क्यूब ऑफ कर्व्स विल करेस्पोंड टू ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर। अब चार ऑप्शन है, उनमें थर्ड ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन से बोला गया है कि एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है जो कि फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमें क्या करना है, जनरल इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन का फ्लो रहेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। तो बस क्या दे रखी भैया, अब बस दे रखी है y = ax + a³। अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालनी है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका हमें ऑर्डर बताना है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमें पता तो चाहिए भैया कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है भैया dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर जो पी और क्यू आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों क्या है भैया, पी एंड क्यू आर फंक्शन है भैया। फंक्शन किसके हैं, फंक्शन है वाई के। ध्यान रखना वाई के फंक्शन है। देखिए, जब आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर वाई होनी चाहिए, पी और क्यू भी फंक्शन होती है वाई के। अगर यहाँ पर डी एक्स ओवर डी वाई होता तो यहाँ पर एक्स हो जाता है, पी और क्यू होते फंक्शन किसके, एक्स के। तो या तो एक्स के फंक्शन होंगे तो सब एक्स में रहेगा पूरा, या फिर वाई के फंक्शन होगा तो फिर सबको वाई में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दो ही फंडे चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर तो जनरल इक्वेशन में नहीं है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को डेरिवेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। तो ए इंटू एक्स करेंगे तो ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डी एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगा वन हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट जीरो हो गया इक्यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स बस ये आ गया। अब ए की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, डी वाई ओवर डी एक्स। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन में इसको पुट कर दूँ ए की वैल्यू को, तो क्या करके क्या होगा, मेरे पास पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इन टू में एक्स प्लस में डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे और इसका हो जाएगा और पास में क्यू। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, ये हमारे पास अब क्या आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चल गया भैया, हम देखिए वाई और एक्स पूरी इक्वेशन में पहली बात। दूसरी बात क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स है, तो बस क्या है वाई भी है और क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव भी उसका। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपको समझ आ रहा होगा भैया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स थ्री। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स दोनों तरफ क्या है, मैक्सिम अगर देखें तो दोनों की पावर वन है। यहाँ पर बस ऑर्डर हो गया वन। और अगर हम डिग्री की बात करें जो कि पूछा नहीं है फिर भी देख लेते हैं, तो डिग्री होती है भैया जो आपने ऑर्डर निकाला ना, उस ऑर्डर की जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो होती डिग्री। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर देखें दोनों की सेम है, ऑर्डर वन है, यहाँ पर इसकी पावर वन है, इसकी पावर थ्री है, तो हाईएस्ट में चाहिए तो ये थ्री है, इसलिए हमारे पास डिग्री आगे थ्री। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हैं इसका सलूशन डाउनलोड करना तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।